नमस्कार अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आदित्य नामदेव आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से कराना चाह रहे हैं जिनका घर जहां पर था कलेक्टर बंगला भी वहीं था कलेक्टर साहब को देखकर बहुत प्रेरित होते थे बचपन से ही कि मैं भी आज नहीं तो कल कलेक्टर ज़रूर बनूंगा लेकिन उस समय की कहावत ही मानी जाती थी कि बेटा है तो इंजीनियर बनेगा बिटिया है तो डॉक्टर बनाई जाएगी तो उन्होंने भी इंजीनियरिंग कर ली इंजीनियरिंग कर ली प्राइवेट जॉब्स भी की वहाँ के जो लोकल सिविल आ, मैं अगर परीक्षाओं की बात करूँ तो उसमें भी उन्होंने अपना भाग्य आजमाया लेकिन नियति ने तय करके रखा था कि उन्हें आई ही बनना है 2004 में पहली बार फाइट किया उन्होंने आई के लिए इंटरव्यू तक गए उनसे ज़्यादा दुखी माँ बाप हुए कि आखिर इंटरव्यू क्यों नहीं सेलेक्ट हो, हो पाए इंटरव्यू के बाद उन्होंने फिर मेहनत जारी रखी और 2005 में तीनों एग्ज़ाम क्लियर किए प्री मेंस और इंटरव्यू और 2005 में आई बने बहुत स्वागत करता हूं मैं 2005 बेस्ट के आई अधिकारी एस प्रकाश साहब का नमस्कार सर नमस्कार सर, सर मदुरई के पास एनादी कोट्टई छोटा सा गांव है सर जहां पर आपका जन्म हुआ सर शुरुआत मैं वहीं से करूंगा सर परिवार में कौन कौन है और ये गांव के बारे में भी थोड़ा सा बताया गाँव एक मदुरे में रिवर वही है, है चलता है उसका किनारे में है एक सुंदर का गाँव है और मेरा प्राइमरी एजुकेशन आधा हिस्सा वहीं हुआ है आधा हिस्सा फिर मदुरे में हुआ है माय फादर हुआ से गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली बट खेती बाड़ी चलता है सो खेती बाड़ी देखभाल करने के कारण उस समय का तत्कालीन समय में हम लोग वहाँ रहने का मजबूरी था सो मैं मम्मी के साथ ही ज़्यादा समय बिच बिजता है सो मम्मी जहाँ रहती है वहीं रहता हूँ मैं भी सो उसके कारण मैं मेरा इनिशियल छः महीना स्कूलिंग एक लगभग एक साल का स्कूलिंग माना जाएगा वहीं किया फर्स्ट स्टैंडर्ड का मातृभाषा से हर किसी को बहुत प्यार होना चाहिए सर इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हम कंफर्टेबल उसी भाषा में रहते हैं मैंने सुना है ट्वेल्थ तक की पढ़ाई भी मातृभाषा में आपकी हुई सर या मेरा बारहवीं तक तमिल मीडियम ही पढ़ा था मैंने और आ, उसके बाद कॉलेज में तो इंग्लिश अंग, अंग, मीडियम में हुआ है क्योंकि आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम एन ए कैलिकट कहा जाता है तो मातृभाषा में, में मेरा पढ़ाई हुई थी बारहवीं तक सर जहाँ आपका घर था मैंने सुना है कलेक्टर बंगला भी वहीं पास था तो जब कलेक्टर साहब जब भी आते जाते थे गाड़ी में सायरन बसता हुआ कलेक्टर साहब की धमाक क्योंकि कलेक्टर उस समय बहुत बड़ा अधिकारी उस ज़माने में तो कलेक्टर मतलब बहुत बड़ी बात है। सही है उनको देखना होता होगा मिलना कम से कम दूर से ही उनकी झलक उनसे बहुत प्रभावित हुए सर या ये बात भी सही है क्योंकि मेरा हम लोग बींग सरकारी कालि में थे और काली में उनका घर भी था उसका घर के पास में मेरा घर भी था और उसको दूर दूर से हम लोग देखते हैं उस समय तो आप जैसे सही बोल रहा है उस समय का समय अलग है बहुत पावरफुल अभी भी अभी भी कलेक्टर का पावर तो कम नहीं हुआ है जितना सेवा के लिए आए हैं उतना सेवा के लिए कर ही रहा है सभी लोग आज का दिन में भी ईजी है बट उस समय मिलना भी कठिन होता था उस समय क्योंकि हम लोग तो बचपन में थे तो उसका उस समय वो लाल बत्ती देखते हैं गाड़ी देखते हैं आगे पीछे सिक्योरिटी वगैरह देखते हैं उसको भी देखकर एक आकर्षण हुआ है रोज उनके बारे में उनका क्या है उनके, उनके क्या चर्चा चल रही है उसका भी हमारे पास भी आ जाता है मेरा मित्रों का पेरेंट्स हैं वो लोग बातचीत करते हैं उसके कारण भी एक एक माहौल बन गया है मेरे को परिवार में मैंने सुना है सर कज़िन आपके जो हैं वो आईपीएस रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है या मैं मैं कज़िन है ही इज़ नाउ रिटायर्ड एस एच दो दो कम, आई पी एस में चयन हुए थे उस समय बिट सीनियर एल्सो बट उनका प्रिपरेशन का कार्यकाल में मैं देखा था वो कैसे पढ़ते थे और वो भी एक मेरे मोटिवेशन के लिए एक रोल इम्पॉर्टेंट है उनका रोल भी सो so, वो भी एक रीज़न था मेरे को बहुत सारी इनपुट्स के कारण एज बनने के लिए मोटिवेशन आया उसमें एक भी उनका भी रोल है सर आपका जो ज़माना था हम लोगों ने जिस ज़माने में पढ़ाई की है बेटा घर में हुआ तो माता पिता उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे बेटियाँ हुई तो डॉक्टर बनाना चाहते थे आपने भी इंजीनियरिंग की सर पीसीएम सी ली मेरे को उल्टा था मेरा बाप तो मेरे को मेडिसिन बनने के लिए मोटिवेट कर रहे थे अच्छा। बट सब मेरे को मेडिसिन बनने के लिए मार्क नहीं मिला है उतना मार्क नहीं मिला है मेडिसिन के लिए इसलिए इंजीनियरिंग में मिला है इंजीनियरिंग के लिए मैं गया हूँ एन से आपने मैंने कैलिकेट से आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में आपने किया सर प्राइवेट में काफ़ी समय आपने जॉब भी की सर आर्किटेक्ट का मतलब था शिल्पी डिज़ाइनिंग uh, कैसे प्रॉपर किसी भी चीज़ की हम कर सकते हैं ये भी बहुत अच्छा फील्ड रहा सर एस आर जैसी कंपनी में भी आपने काम किया लगभग तीन साल प्राइवेट जॉब आपने की सर तो क्या वहाँ मन नहीं लग रहा था कि इस जॉब में मैं परफेक्ट नहीं हूँ एक्चुअली uh, मैं इमीडिएटली कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज डिग्री लेने के बाद uh, मैं थोड़ा दिन उसमें प्रैक्टिस करने के लिए गया था आर्किटेक्ट के पास और, और एस में भी काम कर रहा था काम करते वक्त करते वक्त तो वहाँ भी मेरे को फुल टाइम मन उसमें नहीं था और वहाँ भी काम करते वक्त आई वॉज वर्किंग इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सो उसको देखने के लिए भी एक बार उस ज़िले का कलेक्टर भी आए थे उसको देखकर भी मेरे को एक, एक बार का मोटिवेशन हो गया और अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होता क्या रहता हुआ है क्या था सर उस समय जब एस में थे आप कलेक्टर मिलने आए तो वो काम देखने के लिए आए थे उस समय उस जिले का कलेक्टर सो so, उस समय कितना पूरा पूरा बहुत सारे निर्देश दे रहे थे और पावर भी ज्यादा था और और भी भी इमीडिएटली कर रहे थे उनके पावर, मेरा पावर उनके पावर 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 मेरा से बहुत कम है तुलना में कुछ भी नहीं बिकॉज आई आई स्टाफ ऑफ एज आर एम्प्लॉई मेरे ऊपर में बहुत सारी मेरे बॉजिस भी थे एज ए प्राइवेट कंपनी के आते हम तो कुछ भी नहीं था सो ही वॉज टेकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इमीडिएटली एंड ठीक है ज्यादा वाइड रेंज के लिए ऊपर जाना अच्छा क्यों पढ़ रहा है गवर्नर बनना है क्या? मतलब कलेक्टर बनना है क्या इस प्रकार की बात आती थी <laughs> वो भी दिमाग में एक बात हिट की नहीं यार अब तो कलेक्टर ही बनना है उस समय हम लोग अभी भी जाता है जब भी पोंगल वहाँ में एक फेमस फेस्टिवल है सो so, दसवीं पढ़ते वक्त मेरा उसी समय मेरा एग्जाम भी आ रहा था क्वार्टरली एग्ज़ाम के लगभग मिलता जुलता उसी तिथि में आ रहा था सो so, पोंगल के लिए गए थे पोंगल के बाद भी मेरा एग्जाम था सो so, पोंगल के दिन में भी मेरे को पढ़ना पड़ा सो so, पढ़ रहा था उस समय फिर काम के लिए भी आदमी नहीं मिल रहा फिर मेरे को डांटते वक्त ऐसे भी बोल रहे थे मम्मी अरे फिर वो वो भी मेरे को एक स्ट्राइक हो रहा था क्या कहा था सर एग्जैक्ट वो बोल रहे थे क्या नी गवर्नर पढ़ी गिर कहटा गया सो so, उसको देखकर मेरे को ओ गवर्नर मतलब बड़ा बड़ा पोस्ट होगा करके गवर्नर मतलब वहाँ कहराबाद में कलेक्टर को भी यूज करते हैं सो इसलिए ठीक है 2000 so, में असिस्टेंट इंजीनियर की पढ़ाई भी आपने पास की सर वहाँ का जो शुरू का लोक सेवा आयुक्त था उसकी भी परीक्षा आपने पास की तो क्या तैयारी एस में रहते रहते शुरू कर दी थी सर या पैरल कर रहा था उस समय क्योंकि कॉम्पिटेटिव सर्विस एग्जाम के लिए पढ़ रहा था और फर्स्ट टाइम पीएससी एस सी वॉज कंडक्टिंग असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा था सो so, तमिलनाडु में फर्स्ट टाइम हो रहा था पी डब्लू एज वेल एज़ फॉर पंचायत डिपार्टमेंट के लिए दोनों का फर्स्ट टाइम दोस्तों पोस्ट के लिए कर रहा था उसमें एलेवंथ रैंक में आया था बट सम टेक्निकल रीजन्स के कारण मेरा आर्किटेक्चर है सिविल इंजीनियर के कारण थोड़ा सा फिट नहीं हो पा रहा था उसका लड़ाई चल रहा है न्यायालय में दिन है सो वो चयन हो गया बट लाभ नहीं मिला मेरे को और उसके बाद कंपनी में काम कर रहा था उसके बाद पैरलि आई वॉज़ प्रिपेयरिंग फॉर पी एस सी एग्जाम्स एज वेल एज फॉर दिस वन पी एस सी में भी चैन हुई थी पिक्चर देखने का भी बहुत शौकीन रहा है इस प्रकाश साहब को या पिक्चर देखता हूँ आई एम फॉन्ड फैन ऑफ सुपर स्टार रजनीकांत क्या बात है तो कोई बहुत ऐसी मूवी जो बहुत बार बार देखने का मन करता हो हम लोग के फैन है रजनीकांत साहब के तो से <laughs> फिर भी कुछ ऐसी कोई तो बादशाह है अना मड़े में जब कॉलेज और स्कूल बचपन में था उस समय का मूवी है अच्छा आई एम आई लव दो मतलब रजनीकांत के मैं बहुत बड़े फैन के साथ बातचीत कर रहा हूँ सर शुरुआत में वहीं से करूंगा इन सवालों की सर कि परीक्षा हर कोई देता है हर कोई चाहता है सेलेक्ट होना तैयारी आपने भी की अलग अलग बैकग्राउंड से तैयारी की इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा पी से फिर इंजीनियरिंग आपने की फिर यूपीएससी में जब तैयारी शुरू की तो सब्जेक्ट बहुत अलग चूज किया आपने जोग्राफी चूज़ किया आपने और आ, भी मैं अगर बात करूँ पी आपने चूज किया लेकिन कई लोग ये मानते हैं सर कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होने चाहिए सब्जेक्ट लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर उसमें सब्जेक्ट लेते वक्त तो तो दैट्स अ क्रूशल पॉइंट उस समय कौन सब्जेक्ट में आपका मन है उसी को लेना है आप जो पढ़े हैं उसी को लेना के लिए अनिवार्य नहीं है सो मैं पढ़ा था इंजीनियरिंग बट इंजीनियरिंग और ट्रेंड को भी देखना पड़ता है उस समय डिजेक्ट करने के पहले उस समय उस कार्यकाल में जिस समय आप परीक्षा में बैठने वाले उस पीरियड में क्या सब्जेक्ट्स का ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है और किस सब्जेक्ट में आपको भी मन है उसको भी देखना है सो so, मैं जब पढ़ रहा था उस समय उस समय एंटर कर रहा था प्रिपरेशन के दौरान आर्ट्स सब्जेक्ट में ज़्यादा आ रहा था और इट इज़ ईजी टू तो गेट द मेटीरियल आल्सो एज वेल एज मन में भी था सो so, uh, मेरा मेरा जो सीनियर्स प्रिपेयर कर रहे थे वो लोग भी बोल रहे थे दे आर आल्सो इंजीनियर्स वो लोग भी वो लोग भी बोल रहे थे सो पूरा सोच कर मैंने अ बैड एंड जॉगरफी लिया था सो और उसका मटेरियल भी अवेलेबल हो जाता है ईजी टू गेट द डिस्कशन आई मीन केवल हम लोग अकेले पढ़ने पर काम नहीं चलेगा हम लोग डिस्कशन इसमें ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है जब आप जितने पढ़ रहा है उससे ज़्यादा डिस्कशन में बहुत सारे पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है सो so, वो भी एक रीज़न होगा सो so, पूरा देखकर मेरे को मैं इसमें चेंज करने में अच्छा लगा मेरा सवाल यही था सर कि 2005 में आपने यू क्लियर किया दो बैच के आप आई बने आज हम दो बैठे हैं ठीक है हो सकता है कि अब पढ़ाई जो नया सिलेबस है वो चेंज होता हो पैटर्न चेंज होता रहता है हर बार लेकिन पढ़ाई का तरीका वही होता है सर किस तरह से तैयारी करना चाहिए यूपीएससी किन बातों का एक्सपीरियंस को ध्यान रखना चाहिए जो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में या कह लीजिए इतनी भीड़ हो गई है अब तो मटेरियल्स की स्टडी मटेरियल की क्या पढ़ूँ और क्या ना पढ़ूँ किन बातों का ध्यान अभी समय बदलाव हो गया है उस समय का बदलाव अभी का समय अभी तो इतना डिजिटल मोड में आ गया आप सिंगल क्लिक में आपको जानकारी मिल ही जाता है लेकिन इतनी मिल जाती पढ़ाई किसको? <laughs> किसको पढ़ना है वो समझ में नहीं आता उतना ओवर डंप ऑफ मेटेरियल्स आज के दिन पर अवेलेबल है उस समय तो हम लोगों को तो किताब लेने में और फलाना किताब एन किताब में लेने में भी हम लोग ढूंढ़ ढूंढ कर लेते हैं so, सो आज का समय बदला हो गया अभी तो एकदम जानकारी है बट वन टू बी वेरी वेरी डिससिव क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसी में क्रोशियल होना चाहिए क्या पढ़ना है टू द पॉइंट पढ़ना है और क्या क्या मटेरियल को किन के सेम टॉपिक में बहुत सारी बुक में भी होगा कौन बुक अच्छा है उसको भी मालूम होना चाहिए सो so, इसलिए हमेशा आई ऑलवेज यूज टू से यू यूनिट हैव वाइड लिंक बहुत सारे लोगों से चर्चा होना चाहिए जो इसी सेम वेव लिंक में जो है इसी के प्रिपरेशन में आपका मित्र हो सकता है आपका ऊपर सीनियर हो सकता है आपको परिचित का कोई भी रिश्तेदार हो सकता है कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो पढ़ते ही रहते होंगे इसके लिए सो so, उसी के साथ आप संपर्क में होना चाहिए ऐसा नहीं है मैं अठारह घंटा कत कैमरा बन कर मैं पढूंगा 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 उसमें मेरे को लगता है मेरे को जमता नहीं है उसमें डिस्कशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें और पढ़कर पढ़कर पढ़ कर हिट हिंड हिं भी लेते हैं और उसको रिकलेक्ट करना है और रोज़ कुछ समय रिलैक्स भी होना चाहिए इन एनी मेथड इन एनी मेथड एक एक के लिए रिलैक्सेसन का स्टाइल अलग अलग होगा कुछ लोग वॉकिंग जाते हैं कुछ लोग योगा करते हैं कुछ लोग मूवी देखते हैं कुछ लोग सॉन्ग सुनते हैं कुछ लोग घर में बातचीत करते हैं कोई भी बेहतर उसमें कोई कोई ये ही करना ऐसा नहीं है बट इट हैज़ टू गिव रिजल्ट वो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए री एनर्जाइज करना चाहिए आईजी होना चाहिए रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन मतलब ऐसा नहीं है पूरा एकदम पूरा भूल जाओ फिर कंप्लीटली रिलैक्स हो ऐसा नहीं होगा उस समय भी आपको इसी पढ़ाई के रिलेटेड में वो इंतजियाजम होना चाहिए वो आपको एनर्जी लेवल बढ़ेगा आईजी रिलैक्सेशन होना चाहिए तो मतलब सर इस प्रकार साहब जब तैयारी करते थे तो बहुत पढ़ लेते थे लेकिन रजनीकांत की एक मूवी देखने के बाद पूरा ये मान सर या गाना सुनने पर भी हो जाता है सर मैंने सुना है कि गाने सुनने के बहुत शौकीन है। गाना और भी गाने गाने के भी शौकीन है ये भी मैंने सुना है सर <laughs> गाना सुनने के शौकीन है फिर भी सर कोई ऐसा गाना जो याद आता हो आज भी भले तमिल में हो ड मैटर सर बट अगर दो लाइन गुनगुना पाए सर தோல்வி நிலை என நினைத்தால் மனிதன் வாழ்வை நினைக்கலாமா வாழ்வை சுமை என நினைத்து வாழும் கனவை தூரக்கலாமா உரிமையை இழந்தோர் உடமையை இழந்தோர் உடவை கலாமா अब इसका हिंदी बता वो कुछ नहीं है। जब भी जब भी आपको ड्रीम है उसको डाउन नहीं करना चाहिए क्या बात है आ, उसको हमेशा मोटिवेट करते रहने के लिए आपको मोटिवेशन ये वर्क में ज़्यादा समय देना चाहिए अब मैं सर वापस आता हूँ सर इंटरव्यू 2004 में आपने पहला अटेम्प्ट लिया सर आ, प्री क्लियर हुआ मेंस क्लियर ने, हुआ, ने, 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 हुआ जी और मेंस के बाद इंटरव्यू रुक गया सर इंटरव्यू में नहीं हो पाया निश्चित तौर पर माँ बहुत दुखी होगी मैंने सुना माँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शुरू से रहा है सर जी उस समय धक्का लगा यार कि थोड़ा और पढ़ लेता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी अगर थी तो उसको मुझे फिर से ठीक करना है आपने सही से और पूछा है क्योंकि मैं उस समय दो हज़ार से ज़्यादा इसी में फोकस कर रहा था उस समय पैरलि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर पी एस सी आज पी एस सी में भी क्लिक हो गया है था बट पैरली इसमें भी इसमें ज़्यादा मेरा कॉन्सेंट्रेशन इसमें था यू पी एस सी करने के लिए यू पी एस सी पी एस सी का प्रिपरेशन में थोड़ा सा हल्का से फ़र्क है सो तो वो स्ट्रैटेजिकली करना पड़ेगा सो तो मैं दो हज़ार तीन में फिल्म लेकर चार में एंट्री तक गया था एंट्री में फ्लंक होने के बाद आ, थोड़ा सा दुख तो था ऐसा नहीं है दुख नहीं है करके बट मेरे से ज़्यादा मेरा मम्मी ज़्यादा दुख थी मैं फ्लैंक हो गया फिर उसके बाद फ़ोन में पता आया था बिकॉज आई वॉज इन चेन्नई उसके बाद फिल्म्स के लिए मेरे को मदर ही जाना पड़ा है क्या बोला मदर मदर मेरे को देखकर कुछ नहीं बोला रो नहीं लगा कुछ नहीं बोला मेरे को शॉक हो गया पहली बार मेरे सामने इतना रो रही थी मेरे को क्यों मे भी डल में था और रो रही थी कुछ नहीं बोली है और फिर चले मेरे को उसको उस देख मेरे को शॉक हो गया फिर समथिंग मेरे से ज़्यादा ये पेरेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे उस समय ज़्यादा रियलाइज करना पड़ा मेरे को ठीक है फिर अगेन आई है एग्जाम सेम प्रोसीजर्स आई क्लिक फिर आ, फिर बोला था देवर कौन उस समय चेन्नई में प्रिपरेशन हुई सर और 2005 में जब फाइनली सेलेक्ट हुए सर छत्तीसगढ़ काडर मिला सर छत्तीसगढ़ मैं फिर हर बार रिपीट करता हूँ सर क्योंकि वो समय नक्सलवाद का बहुत पीक टाइम हुआ करता था जब आपका सिलेक्शन हुआ सर ठीक है आपको नहीं लेकिन माँ बाप को तो एक बार लगाओ यार छत्तीसगढ़ कोई दूसरा राज्य नहीं मिल सकता था क्या उनका ऐसा नहीं लगा है क्योंकि उनको मालूम है कहीं भी बाहर ही जाना है कर, -कर इनिशियली वो था नक्सल का ही के कारण मेरा मम्मी अभी भी डरते हैं मैं उनको बोल दिया हूँ और उनको लेकर यहाँ भी आकर मैं जब दंतेवाड़ा में अपर कलेक्टर था उस समय दंतेवाड़ा में लाकर उनको पूरा दिखा दिया है कोई ऐसा आप लोग जैसे न्यूज़ पे मीडिया में आ रहा है ऐसा नहीं है आप यहाँ शांत लोग रहते हैं कोई विश नहीं करके पढ़ने के बहुत शौकीन है सुना मैंने सर और हर समय नॉलेज कैसे बढ़े कोई भी नई चीज़ आती है चाहे वो टेक्नोलॉजी के विषय पर आती हो नई पुस्तकें आती हो इस प्रकार सब बहुत शौकीन हैं अपनी जानकारियाँ बढ़ाने के लिए ऐसा कहा जाता है फील्ड में या लेटेस्ट जो भी नॉलेज है उसको नॉलेज सीकिंग होना चाहिए आदमी के लिए तभी तभी आगे बढ़ते रहेगा सो रीडिंग मेरा हैबिट में है सर 2011 हज़ार ग्यारह पहला ज़िला एज अ कलेक्टर धमतरी किसी के लिए भी सर उसके बच्चे जैसा प्यारा रहता है जो पहला उसका ज़िला रहता है एज अ कलेक्टर जब वो जाता है सर और धमतरी तो वैसे भी धनाट दे रहा है धान के मामले में चावल सबसे ज़्यादा वहीं होता है सर कुछ याद आता है आज भी धमतरी के बारे में याद धमतरी में पहला जिला था उस समय धमतरी तो धान का कठोरा बोलते हैं क्योंकि वहाँ समर में भी गर्मी में, गर्मी में भी धान ज़्यादा गर्म होता है पानी का कोई इशू नहीं है बरा बड़ा ज़िला है अच्छा ज़िला है नेचुरली uh, उस समय दान खरीदी पीक में चल रहा था हम लोग मैं जिस समय ज्वाइन किया था उस समय दान खरीदी दान खरीदी केंद्र के माध्यम से फिर संग्रह केंद्र जाता है उसके बाद मिल्ली में जाता है सो so, हमारा प्रयास था वही शुड बी शिफ्ट खरीदी uh, केंद्र से संग्रहण केंद्र का के क्यों जाना है डायरेक्टली वी विल सेंड दान टू मिल्स सो वो वो कर कर उस साल एक भी दान हमारा जिले में संग्रह केंद्र में नहीं गया सो so, अच्छा सारहना मिला है कवर्धा रहे सर वो दलदली में एरिया में आदिवासियों के लिए बहुत काम किया कोरिया में रहे 2014 से 2017 बहुत रिमार्केबल समय वो रहा वाटर एटीएम मुझे बहुत अच्छे से याद है तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब भी देखने गए थे उस समय और ये कहा गया था कि इसे बेंचमार्क बनाया जाए और सभी जिलों में इसको लागू किया जाए याद आता है आज भी वाटर ए अरे थैंक यू या वो मेरे कार्यकाल में मेरे को अच्छा था क्योंकि मैं इसका इसका कहानी भी ऐसी है जब मैं इलेक्शन में ऑब्जर्वर बनाकर बेचते हैं सो so, कवर द सॉरी कोरिया जिला जाने के पहले आई वाज जनरल ऑब्जर्वर इन बैंगलोर नियर बैंगलोर बैंगलोर रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी में सो so, उस समय गांव सेड में मैं घूम रहा था उस वहाँ वाटर ए टीम देखा था वो वहाँ का निजी एक प्राइवेट संस्था ने बनाकर छोटा से बनाकर दिखा रहे थे उसमें पूरा स्टडी कर कर आया था उसी पैटर्न में वाई नॉट वी इंप्लीमेंट इन कोरिया सो उसको देखकर मेरे को वहाँ जो पानी पीड़ित लोग हैं चिरमरी एरिया पर अभी भी पानी का उस समय का मैं बोल रहा हूँ मैं जब कलेक्टर था उस समय पानी का इश्यू था शुद्ध पानी मिलने में सी सी एल का दान के, के कारण बहुत सारी पोल्यूशन आ जाता है करके सो so, उस समय हमारा लोकल अवेलेबल फंड के तहत टीम भेज उसको स्टडी कर कर आकर फिर उसी पैटर्न पर कोरिया में चालू किया था एक लीटर में 25 लीटर एक रुपया में 25 लीटर आर वो वाटर मिलने के हिसाब से लगभग 50 प्लांट जिलापुरा बनाए थे जहाँ जहाँ निडी है करके अच्छा है वो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है आपसे अच्छा जल जीवन मिशन सर केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना आज के विषय पर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट एम जल जीवन मिशन और मुझे बहुत अच्छे से याद है पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने पुरस्कृत भी किया है जल जीवन मिशन ने बहुत अच्छा काम करने के लिए सब शुरुआत के लिए मेरा मेरा रोल था सरकार ने मेरे को सैंपा था अच्छा था क्योंकि कोई भी नया स्कीम लॉन्च करने के समय में बहुत सारी इश्यूज़ आता है वो सिस्टम में भी परिवर्तन करना पड़ता है और हमारा स्टाफ टीम को भी मोटिवेट करना पड़ता है और नया नया प्रोसीजर्स उसमें है नया नया रूपरेखा में काम आगे लेकर जाना है सो तो वो पूरा चैलेंजिंग काम था और इसमें बिहेवियर चेंजेस भी करना पड़ता है गांव में क्योंकि जल जीवन मिशन इज़ मेनली फॉर घर घर में पानी पहुंचाना है हर घर so घर में हर घर पाने सो so उसका तक पूरा प्लानिंग वाटर सोर्स से लेकर एंड पॉइंट तक एक एक गांव के लिए अलग अलग प्लानिंग करने के लिए मैन पावर का भी जरूरी था सो so बहुत सारी मैन पावर भी रखना पड़ा है आउटसोर्सिंग से इससे फिनेंशियल मैनेजमेंट फिजिकल मैनेजमेंट मोबिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज एवरीथिंग हैज़ टू तो बी प्लान बहुत सारी काम था अच्छा था इनिशियल वर्क वर्क करने में शुरुआत होकर फिर टेकअप होकर अभी हमारा राज्य तो एकदम नीचे था उस समय अच्छा होकर अभी राज्य आगे आ गया है उसको देखकर मेरे को भी अच्छा लग रहा है फिलहाल बहुत बड़ी बड़ी जवाबदारियाँ हैं सर सेक्रेटरी परिवहन संसदीय कार्य समाज कल्याण सभी फ्लैगशिप योजनाएं हैं सरकार की परिवहन तो बहुत महत्वपूर्ण है सर समाज कल्याण है ही महत्वपूर्ण और संसदीय कार्य सबसे बड़ा भार विधानसभा भी चल रही है जी जी किस तरह से देखते हैं सर या चैलेंजिंग था बट अच्छा ही है जो भी सरकार सहमता है उसको काम करने के लिए आए हैं हम लोग जहाँ भी सेक्टर में वही दिस इज द बेनिफिट ऑफ आई ए एस अपने आई के लिए आए हैं इसलिए मैं जो भी अभी देखने वाला के भी मैं बोलूँगा जो भी आने वाला आई आए ऑफिसर से उनका भी एक मोटिवेशन मिलेगा वही रेंज ऑफ वेराइटी मिला है मिलेगा इसमें मैं जब कलेक्टर था उसके पहले जल जीवन मिशन अभी ट्रांसपोर्ट कम्प्लीटली डिफरेंट दिखे। डोमेन है बट यहाँ काम करने के लिए नया सोच में सोच कर काम करने में आगे लेकर जाने में जनता को सुविधा देने के हिसाब से सोच कर क्या क्या नया 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 इनोवेटिव वर्क्स अन्य जगह पर चल रहा है उसको भी यहाँ इम्प्लीमेंट करने में रेप्लिकेट करने में क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है उसको सोच कर करने में अच्छा लगता है सो हम so, लोग कर ही रहे हैं आगे चलेगा ये सिलसिला आगे चले आगे तक चलेगा जब तक सर्विस में हूँ और नेचुरली ये बनने वाला क्लेम मेरा मेरा वही है दीज आर दीज आर द गुड थिंग्स दीज आर द अट्रैक्टिव पॉइंट्स फॉर आईज केवल जिला कलेक्टर तक नहीं है जिला कलेक्टर के बाद भी एक डिपार्टमेंट को चलाना उसके बाद उस डिपार्टमेंट का पॉलिसी मेकिंग क्या क्या हम लोग आज पाड़ी से मटा में तो वो पाँच साल दस साल तक आने वाले पीढ़ी तक बहुत सारी लोगों को लाभ मिला उसको सोचकर प्लानिंग करना है बहुत सारे पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे सर आपको आप तो डॉक्टर नहीं बन पाए लेकिन मैडम डॉक्टर ही खोजिए आपने से इसके पीछे की क्या वजह से कोई एक बच्चे कोई एक घर में डॉक्टर होना चाहिए ये सोच के रखा था पहले मैं नहीं बन पाया तो कम से कम मैडम तो डॉक्टर होनी ही चाहिए कहाँ मुलाकात हुई थी सर इट्स मदरे में इज़ फ्रॉम मदरे अरेंज मैरिज नाउ सी इज़ वर्किंग हियर एज ए डॉक्टर एम्स में डॉक्टर का काम कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं कितना चैलेंज है सर छत्तीसगढ़ में आप काफ़ी लंबा समय हो गया सर 2005 से लगभग 19 साल होने जा रहे हैं सर यहाँ भी टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है सर अच्छे बच्चे हैं जो लगातार आई एस बन रहे हैं यू क्लियर कर रहे हैं पहले तो संख्या बहुत थी अब कम से कम संख्या दिख रही है सर फिर भी कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो पी एस या यू की तैयारी करते हैं सर जो भी हैं पढ़ रहा है बस डिसाइड कर लीजिए डिसीजन लेने के बाद आपको मिल लेना ही है अंतिम टारगेट तक रीच करने के लिए पेशेंस होना चाहिए और वो ज़ील ज़ील होना चाहिए वो ज़ील को कभी भी डाउन मत कर लो नेचुरली अप्स एंड अप्स एंड होता रहेगा आपका जो भी क्लोज है आपको फर्स्ट मार्गदर्शक तो आपका पेरेंट है और आपका भाई बहन हो कोई भी हो सकता है वो लोग भी कुछ 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 समय के बाद आ रहे यार इतना दिन हो गया है वो नहीं मिला ऐसे वो एक पीरियड आ जाता है क्योंकि प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस इज नॉट वन टाइम इवेंट सॉरी ओवर द नाइट इवेंट नहीं है वो साल भर चलता है आज लिख रहा है मतलब एग्जामिनेशन प्रोसेस इज सल्फ टेक्स वन ईयर उसके प्रिपरेशन भी एक साल लगेगा सो so, दो साल तो मिनिमम देना पड़ेगा दो साल का बियर करने के लिए आपका सपोर्ट टीम जरूरी है सो so, उसके हिसाब से आप मन में भी तैयार करते हुए आना है और कहीं भी इसमें प्रिलेम्स मेन्स इंटरी में prelims, main, interim, कहीं भी फ्लंक हो गया अगेन वन एक साल बिल्कुल और आपके साथ वाला बहुत सारे लोग तो अन्य प्राइवेट जॉब में और अन्य नौकरी में बैठ अच्छा रहते होंगे उसको देखकर भी आपको कभी कभार डिमोटिवेट हो जाए वो नहीं होना है। वो उस समय भी डीमोटिवेट नहीं होना है सो उसको भी आप हमेशा इजी में फोकस में रहना है उसके हिसाब से माइंड का टेम्परमेंट बढ़ते बढ़ते रहना है और कभी भी डाउन हो रहा है आपको जो भी पसंद जिसको देखकर आपको कोई गाना सुनकर भी पसंद मोटिवेशन अपने आप अपलिफ्ट हो जाएगा किसी किसी मोटिवेशन किताब पढ़ भी कुछ जगह पर फोटोज़ फोटोज किसी फोटो को देखने पर भी आपको अपने आप डाउन होने पर अप हो जाए ऐसी ऐसी चीज़ को सराउंडिंग में पूरा रख लीजिए तभी आ, 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 आप डी मोटिवेशन से क्विकली यू कैन ओवरकम सर यूथ के मोटिवेशन के लिए कुछ तमिल में कुछ पंक्तियाँ तमिल में बहुत सारी हैं बट मैं हमेशा फाइटिंग फॉर दैट फाइटिंग फायर को आगे रखने के लिए एक बार किसी किसी कोटेशंस को याद करता हूँ इन तमिल में देर इज वैर मुत्तू कर कर एक पोएट है hmm. वो सिनेमा में भी करते हैं और उनका अच्छा अच्छे, अच्छे किताब भी है। उनका कहा इन तमिल है बट लेट मी से इन तमिलली ट्रांसलेट इन हिंदी ऑल्सो सुट्रुम वर ए निरुप सुट्रुम वर ए भूमि सुडुम वर ए निरुप पोराडुम वर ए नी मणिधन मीन्स जब तक पृथ्वी घूम रहा है तब तक उसका नाम पृथ्वी है जब तक वो आग आपको बर्न करता है तब तक उसका आग है।, आग है। जब तक आप फाइट कर रहा है तब तक आप ह्यूमन भी हैं। जब फाइट को तुम छोड़ दिया जिंदा भी हो तुम ह्यूमन भी नहीं है सो फाइट करते रहो जब तक आप विक्ट्री का गेट नहीं पहुंच रहा है बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए तो आपने सुना है इस प्रकार साहब को देखिए परिवहन संसदीय कार्य समाज कल्याण जैसे विभाग संभाल रहे हैं पिक्चरें अभी भी देखते हैं गार्डनिंग का अभी भी शौक है तो अपने शौक को जिंदा रखिए शौक़ को मारिए मत शौक जिंदगी में रहेगा कोई अदर एक्टिविटी आपके साथ रहेगी तो कभी आप बोर नहीं होंगे रिलैक्सेशन के लिए कोई ना कोई ज़रूरी आपके पास कोई ना कोई ऐसा शौक़ हो जो आपको खुश रखे आबाद रख सके अफसरनामा में इतना ही अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद